आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी है जहाँ पर पुस्तकों का इंतजाम किया गया है। हर तरीके की पुस्तक यहाँ किसानों के लिए ये सेवा दी गई है कि आप इन लोग पढ़ सकते हैं। और ये ऐसे नहीं, हर तरीके की हर उससे दिखाया है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा जगत गुरु बाबा, तो इस तरीके की सारी पुस्तकें हैं हर आदमी। और ये देख लीजिए, ये भी पुस्तकें हैं जो दिखा रहे हैं। यहाँ किसानों के लिए सेवा है कि कोई भी आए और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े और समझे कि हमारी लड़ाई क्या है और क्या नहीं है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यहाँ सारे के सारे बैनर भी लगाए गए हैं, हर तरीके से यह दिखाया गया है। और कोई भी आके, कोई भी अन्नदाता आके यहाँ पर बैठकर पढ़ सकता है। हमारे साथ में हैं जो, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछते हैं कि आखिरकार लाइब्रेरी यहाँ बनाने का मकसद क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। आपने लाइब्रेरी बनाई है किसानों के लिए, आंदोलन चलते तकरीबन 36 दिन हो चुके हैं और कल सरकार ने दो मांगे मानी है, लेकिन जो असली मांगे हैं वो तो अभी रही हुई हैं। बिल्कुल। और 4 तारीख का टाइम दिया है, क्या सरकार उनको मानेगी? देखिए, 4 तारीख तक तो ये नहीं कह सकते, लेकिन अब तक तो ये चीज़ तो क्लियर है कि सरकार को आखिर में तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। जैसे आपने, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं अब कि क्या कानून है या क्या है, लेकिन वो जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं। अगर आप देखते हो एज अ सिटीजन, अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप पे जो थोपी जा रही है आपको धक्के से खिला, आप मान लो आप आए हो, आपको बोलूँ खाना खा लो, अगर आपने नहीं खाना है, आप ऑलरेडी खा चुके हो, तो मैं आपको धक्के से क्यों खिलाऊंगा भाई? जरूरत तो है नहीं उसे, बेजरूरत के ही खाओ। बिल्कुल, तो वो तो पेट खराब करेगा ना वो कोई। आपने लाइब्रेरी बनाई है यहाँ किसान भाइयों के लिए, जो काफ़ी हमारे जो अन्नदाता हैं वो काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं और तकरीबन कारोबार बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि घटा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएँ दी? यहाँ पे हम लोग काफ़ी तरीके से काम कर रहे हैं। पहले तो हमने, जो लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य होता है कि यहाँ पे बैठो पढ़ो, अपने आप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर रोज़ अपनी हिस्ट्री के बारे में जानो, अपने कल्चर के बारे में और मजबूत हो गए, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है ना, जो सबकॉन्शियस है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मजबूत होना चाहिए। किसी भी रेवोल्यूशन के पीछे सबसे पहले सबकॉन्शियस होता है, आइडियाज़ होते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर चाहिए कि हमने ये पहले भी किया है, किस तरीके से किया और कैसे करना है। आज़ादी के वक्त भी हमने 85% कुर्बानियाँ दी हैं और हमारा 85% हमारा पार्टिसिपेशन था उसमें, तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज 90% है, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। तो और इसके अलावा हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम 10 लोगों की टीम है तकरीबन यहाँ पे, तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, तो क्या होता है कि 10 लोग जहाँ पे, 2-4 लोग जाते हैं बाहर भी देखते हैं कि बाहर का क्या माहौल है, कि लोगों की क्या नीड्स हैं, तो जो लोग आते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो हम लोग वो, मतलब कई लोग यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं भी हम, व्हाट डू यू नीड, कि क्या चाहिए, हम लोग सेवा करना चाहते हैं, क्या करें हम आपके लिए, क्या चाहिए आपको, कंबल चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लोग जो नीड होती है सराउंडिंग्स की वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं सामान और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कुछ किसान भाई जो हैं यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ ऐसा भी है कि लेके भी चले जाते हैं या मतलब वापस यहीं? नहीं भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब जैसे हर बंदा यहाँ पे बैठ के नहीं पढ़ता, बहुत सारे लोग हैं जैसे बुज़ुर्ग हैं जो वो अपनी ट्रॉली में जाके बैठ के पढ़ते हैं, जहाँ अपनी जहाँ पे जगह है उनकी बैठने की, कार में जाके पढ़ते हैं या कहीं भी जाके, तो वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो हमारे पास तकरीबन पहले 500 बुक्स थी, तो अब हमारे पास तकरीबन 300-350 बुक्स होती हैं, तो लोग लेकर जाते हैं, वापस कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेकर गया होगा, अगर कोई लेकर गया है ना तो वो बता देता भाई मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे सभी तरह की किताब हैं, लेके संविधान से हर तरह की किताबें यहाँ हैं और लोगों को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और होनी भी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ज्ञान ही ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान ही गुणवत्ता है, तो वो सबसे बड़ी पावर है, जो अगर आप में अंदर भरा होगा कुछ तो ही बाहर निकालोगे ना। तो वो बेसिक जो नीड है वो थी ये कि हम लोग अपने यूथ को, अपने चीज़ों को अच्छे से रिसेंबल नहीं कर पा रहे थे, हमें मालूम था हमारे इतिहास में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन वो क्लियर थॉट क्यों नहीं था, क्योंकि जानकारी नहीं थी। अब क्या है, अब आप देखोगे यहाँ पे 80-90% यूथ है, तो यूथ का क्या है, मेन
क्या होता है, यूथ में जोश तो बहुत है लेकिन होश कहाँ से आता है, वो किताबों से ही आएगा। तो जो इंटेलेक्चुअली थिंग्स होती हैं वो वर्कआउट करती हैं, पीछे सब कॉन्शियस माइंड है। तो वो जब पढ़ते हैं भगत सिंह के बारे में, करतार सिंह सराभा के बारे में, सर छोटू राम है, सुभाष चंद्र बोस थे, ये अपने अम्बेडकर साहब थे, जब इन जैसे मतलब बड़े योद्धाओं की किताबें पढ़ते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुनून बनता है, बिल्कुल वो उनमें पनपता है फिर। तो वही चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास में थी, जब वो पढ़ते हैं तो उनको ग्रैब करके अब ये भी यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में पंजाब से, और यहाँ जो लाइब्रेरी बनाई है वो किसानों की सुविधा के लिए है। यहाँ पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं आप, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली या कार में हैं तो वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। आखिर देखना होगा, लेकिन सरकार ने 4 तारीख का टाइम दिया है 2 कानून पे और सुनवाई का। ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरीके से निरस्त किए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।